बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब तारीफ़ अल्लाह को जो साहेब सब जहानों का है। आज कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 का फाइनल पाकिस्तान और भारत की कबड्डी टीमों के दरमियान अब से कुछ देर के बाद शुरू हो रहा है। पाकिस्तान के दिल में यहां लाहौर में वर्ल्ड चैम्पियन बनने का मौका है पाकिस्तानी टीम के पास, और दूसरी जानेब भारतीय टीम के खिलाड़ी अर्श चोला, उनके साथ साथ निन्नी जो कप्तानी कर रहे हैं, इनकी पूरी कोशिश होगी कि भारत का जो नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड है कबड्डी की तारीख में उसको बरकरार रखा जाए। हाँ जी, वड्डी टक्कर, वड्डा मुकाबला, साना दा पेड़ पैन लगा, पाकिस्तान बा मुकाबला हिंदुस्तान, तारीख लिखी जान लगी लाहौर पंजाब स्टेडियम विच। कबड्डी पाउंदा पिया शफीक चिश्ती, चल पई चिश्ती सुनिया कबड्डी पा दे, पहली कबड्डी पाउण वास्ते कि अज थोड़े सामने जवान जेड़े आउणगे वेखणा पहाड़ा दा पहाड़ टकराउणगे। मोहम्मद शफीक चिश्ती एक नंबर दा इजाफा करके पाकिस्तान दे वास्ते एक नंबर दा इजाफा कर गया मोहम्मद शफीक चिश्ती। वो तुर पिया विनय खत्री पे, इको गल ते एक कहानी तेरी साडी सांझ पुराणी, सजना कुछ ते लागे आ वाघा सिंह जा गंडा सिंह जा वागे आ गंडा सिंह जा वागे आ। और वेखो जी कमरों जमान बट कमर बट दे धक्के नंबर विनय खत्री, पाकिस्तान एक इंडिया एक। गलबात अगो हाफज अमजद साहब जी, अगली कबड्डी इस वेले मैदान दे अंदर कबड्डी पाएगा मोहम्मद वकास बट, आया बारे ते लो नाल ही कैंची बची और कोशिश की और ले गया नंबर नंबर पाकिस्तान दी टीम दे हिस्से। कबड्डी पाएगा फिर मैदान दे अंदर, लो जोते दी पई कबड्डी, चार जापी ने पूरी कोशिश चल रही है कि कौन है जापी जो अज इस नौजवान दे रस्ते रोकेगा। अज पाकिस्तान दे विच एशिया वर्ल्ड कप दा फाइनल हो रहा है। लो अली बड़ाए च, अली बड़ाए ने टक्कर लाई लेकिन नंबर इंडियन टीम दे हिस्से। चल भाई जट्टा पा कबड्डी, हाँ मोहम्मद अरफान माना जट भाई, अर्श चोले वाला उधर हौसला बुलंद सीना चौड़ा जट दा, एवें ते नहीं पिंड पिंड रौला जट दा, एवें ते नहीं पिंड पिंड रौला जट दा। रवि द्योड़ा अगली कबड्डी पाउण वास्ते नौजवान, उधर ले बने चार जाफी नफीस गुजर, नौजवान शानी बसरा कमर बढ़ते अली फड़ाए च चौहान की चेन लगना पता, कहिंदा जारा नाल ही टोलियां फपदियां ने, टोली हुंदी नहीं कोई भी कल्लियां दी। दो नंबर तो खब्बे क्रास तो शानी बसरा सदके जवान, शानी बसरे ने नंबर का इजाफा किया, सुल्तान बली साहब का इशारा हिंदुस्तान बादशाह गुल साहब। अगली कबड्डी पाने वास्ते मोहम्मद शफीक चिश्ती, आ वेखो जी रीप्ले दे विच असते मंग जी कीती आ रवि द्योरे दी रेड है और फैसला जिहड़ा ओ इंडियन टीम नूं इह पॉइंट दित्ता गया, रवि द्योरे नूं इह पॉइंट दित्ता गया हफज हमज दी। तीन पाकिस्तान की टीम दे पांच नंबर ने इस वेले इंडिया की टीम दे। अगली कबड्डी पाउण वास्ते मोहम्मद वकास बट, चल भाई बट्टा पा शेरा कबड्डी, अर्श चोले वाला ते बट, अर्श ते बट दी टक्कर है मोहम्मद वकास, तजर्बा चंगा है जाफी दुनिया का तूफान है, रेडर तेज रफ्तार है, वेखना पएगा इत्थे वेखना पएगा की बनता है। बकलां भरियां चक्का जाम करन दिया मुंडा, गुत्थम गुत्थी हो गई जवानियां, खह गई जवानियां, अर्श चोले वाला, अर्श चोले वाला, बल्ले 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 लगा जफा ते पेड़ विच शोर होया भाई विच मैदान दुहाई जारो, अर्श आखे मैं नंबर नहीं जान देना, जोर ला लवे भावें सही जारो। कबड्डी पाउण वास्ते इंडिया की टीम का कप्तान हिंदुस्तान का कप्तान नन्नी सिंह की कबड्डी इस टाइम 16 नंबर की किट की हुई कबड़ी ने, और कहिंदे एक सुंदर जिहा जोड़ा बनिया होया उत्ते। अगली कबड्डी के बारे के उपर कहिंदा इन्हां विच किन्ना का हौसला है, अज मैं जोर तूफाना का वेख लैना, हथ पट्टा ते मार के निकल आया, अज मैं पार चट्टाना का वेख लैना। शानी बसरा ट्राई करता पाया ग्लैडिएटर पर नन्नी कहिंदा नहीं जित के ही जाना, मैं जाना नहीं हार के। 7 नंबर इंडिया 3 नंबर पाकिस्तान, गलबात करनगे हाफज अमजद साहब जी। अज आवाम बहुत दूरों दूरों इस कबड्डी के मैच नूं बड़ा इसलिए कहते पंजाब स्टेडियम पूरा भरिया होया है। कबड्डी पाएगा फिर कि तजर्बे का पहाड़ है मुंडा इरफान माना जट, हमेशा कप्तानी इन्हें खेडन वास्ते अगे वध है। लो इधरले पासे पट फड़न की कोशिश पर एनर्जी जाया करन तो बगैर ही हल्का जिहा हासिल हो पाकिस्तान की टीम के पासे। एक महंगा नंबर जो चौथा नंबर है जोड़ता है। अगली कबड्डी पाएगा फिर रवि द्योड़ा,
अगले बारे से फिर लो इधर शानी बसरे दे नाल टक्कर और हल्के जा कदमों के नाल नंबर का किया वाधा इंडिया की टीम डबल फिंगर के 10 नंबर इधर कहते आवाम पूरा इंजॉय कर रहे हैं कबड्डी के मैच में। उधर सूबाई वजीर ब्राए खेल मोहतरम तैमूर हयात खान बट्टी नज़ारा करते पे ने खेड़ कबड्डी पाते पे ने विकास भट्ट चल पे मुहम्मद विकास भट्ट ओ हो गए गुत्थम गुत्थी ओ हो टक्कर ओ अमृत नाल जुड़िया है ओ पेचा जहा पै गया ओ गभरू एस एम ताकत जवानिया खींचिया तेनगा ओ गुट फड़िया गभरू ने कहता गुट फड़िया निकल के संगली चो छड दिता तो रहा माण कोई नहीं दूर गया लोग आखे चाफी जान कोई नहीं पर नंबर विकास भट्ट सदके जावा बट्टा एक नंबर का होर गबू ने इजाफा किया निन्नी इस वे केंद्र इंडियन टीम का खिडारी जो कप्तानी कर रहा है इंडिया की टीम का कप्तान अगे वध्या और पालिया के पुजे देखा नफीस गुजर गिट्टा फड़न की कोशिश पर वड्डा तजर्बा निन्नी पिछे कारी हुंदा होया लो अपने आप बचाता है और नंबर जो है इंडिया की टीम के वास्ते इधर मैं ट्रॉफी का नजारा करते पे हैं शफीक चिश्ती की पैंदी कबड्डी फिर मैदान के अंदर वारे से आया शफीक चिश्ती जो पिछला वारा भी किया कमाल की है लो अर्श चोले के नाल टक्कर हुई है आ भाई गबरुआ पा कबड्डी ते ला जप्पा कौन है जो मैदान दे चिश्ती नू ढकेगा लो लागो ही निकल गया और नंबर पाकिस्तान की टीम के हिस्से एक नंबर का वाधा किया है इस वे कबड्डी नू पूरा इंजॉय किया जा रहा है पूरा महसूस कर रही है कबड्डी अर्श चोला दुनिया का नंबर वन जाफी है दीपक काशीपुर या दिल्ली वाला इंडिया की टीम का खिडारी कबड्डी पाने के लिए अगे वाल बढ़िया है कमर बट सामने सयाद गुजर सानी बसरा नफीस गुजर पाकिस्तान के चारों जाफी तैयार बरतार कमर बट के मुकाबला होया तो नौजवान भज्जा आंदा है यह दीप काशीपुरी इंडिया के लिए पॉइंट का वादा करता हुआ बड़ी तादाद पुजे हुए खेड प्रेमी आनंद ले रहे हैं इस मुकाबले का पंजाब तो पम्मी बाई उचेचे तौर पर पुजे हुए हैं जो सांझा की गल करते हैं अकबर राही दोनों पंजाब सांझा की गल करते हैं अपनी बोली अपने देश की गल करते हैं और रेड़ पाने के लिए फिर नौजवान मलिक बिन्यामीन पाकिस्तान की चढ़ती रेस का खिलाड़ी अज तारक सैदी रिकॉर्ड टुट गए हैं क्रिकेट तो बाद जेकर कोई खेड आ कबड्डी है जिन्हें लाहौर का एक खेड स्टेडियम है जिसे तिल सुट्टन भी थान नहीं इधरले पासे कबड्डी फिर पावेगा नौजवान अगे बल वधिया कहिंदे इंडिया की टीम का खिडारी लो जोता कमर बट दे नाल टक्कर होई है लेकिन जोते ने सज्जे पट ते मारी थापी खप्पी उंगली खड़ी करता होया जित दा निशान बनाउंदा और नंबर जो है इस वेले इंडिया की टीम के हिस्से चल पई बिन्यामीन पास होने कबड्डी मलिक बिन्यामीन की कबड्डी कहिंदे के चढ़ती नहीं गुड्डी ए चढ़ाउणी पैंदी आ शेरा मनदी नहीं दुनिया मनाउणी पैंदी ए मनाउणी पैंदी ए अर चोले नाल टक्कर होई और बिन्यामीन एक नंबर का इजाफा कर गया अज दुनिया मोहब्बत बनती पई आ अज पाकिस्तान का प्यार नज़र आ रहा पूरी दुनिया के विच इधर वेख लो बिन्यामीन ने किवें ला के पना किया उधर कबड्डी पाउंदा पिया रवि द्योरा शानी बसरा अगां वधिया गुट फड़िया गिट्टा कैंची पर मुंडा तिलक तिलक जान लिया मलिक बिन्यामीन खेड मैदान पाई हुई कबड्डी अर चोले आला जोता ओ गबरू ने ट्राई की ओ गबरू ने बांह फड़ी ओ बिलकुल पकड़ मजबूत हुई है पर रेफरी साहब दस नंबर नंबर पाकिस्तान के खाते नंबर मलिक बिन्यामीन पाकिस्तानी टीम वास जुड़ गया चाहे ताहर वहीद जट साहब इस टाइम तुम टीवी की स्क्रीन पर वेंदे पे हो हैड कोच पाकिस्तान कौमी कबड्डी टीम अगली कबड्डी पाने वास्ते नौजवान नन्नी सिंह कप्तान गया कबड्डी के उपर चल पई शेरा अगे लग्या दे राह विच बड़े कंडे तुरया चल पर कदम ध्यान रखी तुरया चल पर ध्यान ना कदम रखी क्योंकि कमर बट अडीकदा पिया उधर शानी बसरा अडीकदा पिया उधर नफीस गुजर पूरिया ट्राइया दे विच है नफीस गुजर नफीस गुजर दे नाल होया के कल्ली टक्करे ते हाल सुनावा साडे ते की गुजरी कल्ले नू कल्ले दी खेड़ है पाकिस्तान दा मजबूत जाफी ये कनेडा की टीम के जतेंद्र तोची कुलतार पुरेवाल गुरजीत पुरेवाल जिन्होंने टीम कनेडा स्पोंसर की इस वर्ल्ड कप के भी नज़ारा माणते पे ने सामने तरिंदरजीत सिंह निन्नी कप्तान इंडिया टीम का पॉइंट लेके आया आ गया जट लुधियानवी इरफान माना जट लुधियानवी रेड पाने के लिए बढ़िया होया वड्डा तजर्बा खेड कबड्डी का अर्श चोले वाले दे फिर मुकाबला होया नौजवान शरली शरली खीरा वाली आ मुकाबला करता हुआ पर तजर्बा बैली बनते ने अज के न्याणे बलीए ये नहीं जानते असं खुंड हाँ पुराने बलीए माना पॉइंट लेके वापस आता हुआ इवाम नज़ारा माणते हुए ईरान के खिडारी जिन्होंने तीजी पोजिशन हासिल की है वह भी नज़ारा माणते ने इस मैच का विनय खत्री कबड्डी पा रहे इंडिया की टीम का विनय खत्री की रेड है और सामने चार जाफी सयाद गुजर है कमर बट है सानी बसरा है नफीस गुजर
मुकाबला नफीस गुजर दे नाल दे पॉइंट बेने खत्री दा। पहले हाफ दी खेड इस टाइम मुकदी पई आ। पहले हाफ में भारत ने बर्तरी हासिल की, पाकिस्तान ने फाइट बैक किया, लेकिन अभी दोनों टीमों के दरमियान 6 पॉइंट्स का फर्क झलक रहा है। कबड्डी पाने वास्ते मोहम्मद शफीक चिश्ती वड्डी जिम्मेदारी है। अब आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं तरनजीत की जानिब। सो वी हैव राव उमर हाशिम खान फ्रॉम द ट्रांस ग्रुप, सीओ ट्रांस ग्रुप। सर, आप लोग क्रिकेट को सपोर्ट करते रहे, क्रिकेट में इन्वेस्ट करते रहे, क्रिकेट में रिस्पांस आता रहा। सबसे पहले अपने ब्रॉडकास्टर्स जियो सुपर का बहुत शुक्रगुजार हूं, कबड्डी फेडरेशन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पुलिस, एवरी डिपार्टमेंट, स्पॉन्सर्स, सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर ये इतना मेगा इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। हाँ जी, मुशर्रफ जावे जंजवा, उधर कप्तान नन्नी सिंह, इधर मुशर्रफ ना है मुशर्रफ ते पेंडे दा बाठ है, भाई जग सारा जानदा कौडी दा ए राठ है, कौडी दा ए राठ है। इधर दुनिया दा हजूम, दुनिया दी मोहब्बत मुशर्रफ दे नाल, पाकिस्तान दे नाल प्यार नजर आ रहा। लो माने जड़दी पैंदी कबड्डी, अज कहंदे 2020 दे वर्ल्ड कप दी तारीख लिखी जाएगी, अर्श चोले दे नाल टक्कर है। लो सुखमन दा छोटा वीर इरफान माना जट, वड्डा तजर्बा है, और सामने उच्चा लम्मा गबरू जापी है। लो लीग दे कोल आंदा होया जो मिड लैंड दे कोल, कहिंदे नहीं सामने फाटक खोलिया कि यह है नौजवान। लो आओ लै गया और इरफान माने दी एक नंबर दा कीता वादा। इंडिया दी टीम दा खिलाड़ी कदे जोता सवरामा आया सी पाकिस्तान खेडन, कदे राणा वंज आया, कदे हरजीत बराड़ आया, कदे दुगाल वाला बिट्टू आया, और सामने नौजवान नवजोत सिंह जोता। कबड्डी पाएगा वड्डे तजर्बे का मालिक ऐसले शफीक चिश्ती, 2014 के वर्ल्ड कप का बहुत ही तगड़ा रेडर, कहिंदे ट्रैक्टर जेतू है मुंडा, पर कबड्डी देखांगे सामने कि किदे नाल टक्कर होवेगी। लो इधर अर्श चोला निकल के वड्डा पहाड़ जापी जो इस वेले डक पाउण की पूरी कोशिश कर रहा है। आ भी सुनिया सामने बगलों के, कहिंदे मुख्तार चीमे वाली कट मारी है। लो नंबर पाकिस्तान की टीम के हिस्से, खुशियां मनाते लोग, ताड़िया मार के टीमों सपोर्ट करते हुए इंजॉय करते हुए। दीपक काशीपुरिया टक्कर हुई उधर कमर बट नाल, कमर बट ते दीपक काशीपुरिया आमने सामने हो गए, और कमर बट में बहुत पुश मार के दीपक काशीपुरिया नु लाइन तो बाहर छुटिया। इहदे नाल ही पॉइंट पोजिशन तुसीं देख रहे हो स्टेज दे उत्ते, 30 और 27 दा मुकाबला चल रहा। कबड्डी पाउण वास्ते मलक बिनियामीन, चल पाई बिनियामीन सोनिया पा कबड्डी, पर जिन्ने सन राह दे तूफान वो सारे वेखदे रह गए, असां लहरां ना इंज खेडे, किनारे वेखदे रह गए, किनारे वेखदे रह गए, किनारे वेखदे रह गए। नंबर बिनियामीन दा, नंबर बिनियामीन दा। इधर जोते दी कबड्डी पै गई, जोत छानी बसरा, सजाद गुजर कन्नियां मल के खलोते हुए ने, सजाद गुजर ने ट्राई की, पर मुंडा हथों तिलक के जाता रहा, और जाता रहा नौजवान जोता अपनी टीम वास्ते नंबर का इजाफा कर गया। वड्डा मुकाबला, दर्शकों का वड्डा कट, अज लाहौर पंजाब स्टेडियम तो जीव सुपर जंग ग्रुप का प्यार, टपाल तेज दम, वर्ल्ड कबड्डी कप 2020 अपनी मिट्टी अपना खेल, कबड्डी पाँदा पिया शफीक चिश्ती, और ये अर्श के नाल टक्कर हुई थी, लेकिन देखना पड़ेगा। और नौजवान शुरली ने मैं जापता पाया कि डबल टच मारिया, बाबा जी गुरु नानक सरकार का 550वां जन्मदिन। एक बार फिर कबड्डी मैदान के नाल जुड़िए, रवि द्योड़ा आया इंडिया की तरफों कबड्डी पाण, दूसरे पासे दरम्यान चो निकल के लग्या, लेकिन रवि दौड़े का मांग की गई सी, अज आवाम ने फाटा मार दिया, सुपर पॉइंट पाकिस्तान का हो गया। इस वेले 31-32 का चलता हुआ मुकाबला। सब की सांझ के नाल आवाम नु मुबारकबाद, कबड्डी के प्रधानों नु मुबारकबाद, दुनिया के कबड्डी के शायकीन मुबारकबाद, के 7वां वर्ल्ड कप अज पाकिस्तान की धरती, बाबा जी गुरु नानक सरकार के नामे कबड्डी पाने वास्ते मलक बिनियामीन, और जाते हैं टक्कर, और जाते हैं नौजवान। एक बार फिर कबू मार है, नौजवान सुन लिया है, पंजाबी पाकिस्तानी बिल्कुल मजा लेंदे पे खेड़दा, स्वाद लेंदे पे, कि हथ हथ जोड़ के कह दे सजना नू, हुण ना रुस रुस पैण, बहारां आईयां ने, बहारां आईयां ने,
कबड्डी पाउंदा पिया नौजवान नौजवान विनय खत्री अली ब्रैच ने बांह फड़न की ट्राई की पर मुंडा कहिंदा तेरे हाथ में बांह किवें देवां भई लज मारे मापियां दी लज मारदी पई है कबड्डी कप्तान की दुनिया का महान कबड्डी प्लेयर मुहम्मद इरफान महाना जट के मेरे अगे वह ही आवे जरा बहुत ही हिम्मत वाला अर चोला कहता मैं आवागा पर महाना कहता पुत्र हाँ मैं जट का तो पिंड मेरा क्याला मेरे अगे वह ही आवे जरा बहुत ही हिम्मत वाला है तेरे नंबर बराबर मैं थोड़ा भी मलक सफदर शाह हरसा कोट कबड्डी पाँदा पाया नौजवान आओ वेखो जी आओ वेखो जी आओ वेखो जी नजोत जोता नजोत जोते की पई हुई कबड्डी वेखो कि करता टच नजोत जोता बड़ा सियाना कबड्डी प्लेयर आ लेकिन दरमियान चो निकल के लगा नफीस गुजर नफीस गुजर ने फड़ने की कोशिश की थी कट भी कराई लेकिन नजोत नोचा बाइट नंबर की शर्ट पहनी पॉइंट देखो सिख सरदार हजरात भी बार्डरों पार आके मैच देख रहे दूसरे पास बिनिया मीन मलिक नौजवान आ शुरू नहीं लगा इस नौजवान पावर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं बहुत ही खूबसूरत प्लेयर बिनिया मीन मलिक। हाँ जी बिनिया मीन मलिक अगली कबड्डी पाने वास्ते नौजवान रवि चल पे रवि पा कबड्डी खड़े जो सोचते रेंदे वो दिल कमजोर होंगे ने जड़े कच्चिया तर जाते वो जज्बे होर होंगे ने खड़े जो सोचते रेंदे वो दिल कमजोर होंगे ने डबल टच नंबर रेफरी हसन सीधा इशारा नंबर याद लैंदा नंबर पाकिस्तान का के रवि ने दोहां प्लेयरों ने कोटां च टच मारिया जबरदस्त फाइनल अगली रेड फिर पाने वास्ते मलिक बिनियामीन पाकिस्तान की कबड्डी का आने वाले समय का वारस चढ़ती वरेश का खिलाड़ी बहुत ही तेज तरह खुशी है मुहम्मद सरवर साहब और गवर्नर पंजाब वो भी आनंद ले रहे हैं लुफ्त ले रहे हैं खेड़ा नवजोत जोता कबड्डी पाने के लिए इंडिया की टीम का खिलाड़ी कपूरथलिया फिर अगे बल बढ़ता होया नवजोत जोते की रेड है कमर जमान बट पाकिस्तान की टीम का चढ़ती उम्र का जाफी सज्जे खबों घेरता होया मुकाबला सख्त है एक पासे जोता है दूसरे पासे बट बट जंजूए वर्गे हैं खेड़ नूं दित्ता उपर चढ़ा लोग मुड़ मुड़ चेते करनगे जदों होगा वर्ल्ड कप जी रेडा गया सी चिश्ती पा रेडा गया सी चिश्ती पा चिश्ती रेड पा रहा मलिक सफदर साहब। हाँ जी मुहम्मद शफीक चिश्ती दुनिया का चहेता कबड्डी प्लेयर दुनिया का समझदार कबड्डी प्लेयर नौजवान उधरों फिर अर्श के नाल टक्कर हाए कहिंदा चुंगियां भरदा नचदा टपदा जिवें हुंदा अड़गल घोड़ा अड़गल घोड़ा। अज दुनिया भर के खेड प्रेमी कबड्डी देख रहे ने कि बापू कहिंदा पुत्रा रेडर बावर बन जा तू जा कलजीते वर्गा कहिंदे जावर बन जा तू जितना मोटरसाइकिल ट्रैक्टर बड़ी गड्डी हुण तां टीवी उत्ते आ गई नहीं बेबे वेह कबड्डी यह नौजवान कहिंदे रेडर विनय खत्री पॉइंट का वाधा कर गया अगली रेड पाने के लिए इरफान माना जट लुधियानवी और इस समय अगे वाल बढ़ता होया सुरली खीर वाली अमृतौल खम और मेला बलवेड़ा अर्श चोला इंडिया की टीम के चार जाफी हरप्रीत सिंह बाबा और गुरदीप बिट्टी घग्गा दविंदर सिंह बाजवा मैनेजर गुरप्रीत नथाणा और हेमराज जी होरां दी टीम सामने नौजवान अमृत ਔਲਖਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਲਓ ਜੋਤੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੀਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਔਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀਏ ਲਓ ਜੋਤੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਓ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜੰਜਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਪੈਰ ਤਿਲਕੇ ਨੇ ਉਖੜੇ ਪੈਰ ਔਰ ਨੰਬਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅੱਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ 40 ਨੰਬਰ ਰੀਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਜੋੜਿਆ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰੀਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਲਓ ਰਵੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵੀ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਲੱਤ ਲਓ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੱਤ ਵਾਲੇ ਬਾਵਾ ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਆਇਆ ਬਈ ਗੁੱਜਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਿੱਚਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਰ ਆ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੱਲੇ 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 ਲਓ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਔਰ ਨੰਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਨੰਬਰ
बड़ा महंगा जो है पाकिस्तान की टीम के हिस्से जोड़ चुकी है। इस समय कहते हैं आखिरी लम्हात से चलता हुआ कबड्डी का वड्डा मुकाबला बिना खतरी सामने नफीस गुजर अली वड़ाइच शानी बसरा और कमर बट लो अली वड़ाइच के टक्कर हुई है और मुंडा कहते दौड़े ची तेज है कदम नहीं रले नंबर इंडिया की टीम के हिस्से जी। एक बार फिर कबड्डी के अगले वारे से मुहम्मद शफीक चिश्ती आखिरी पला से कबड्डी का है वड्डा मैदान जो चल रहा है लो अरशोले के नाल टक्कर हुई है शफीक चिश्ती वड्डा तजर्बेकार खिडारी दोनों पासे वड्डा तजर्बा है लो कोठे जी का जवान आओ लै गया नंबर नंबर जो है पाकिस्तान की टीम के हिस्से एक नंबर का किया वादा पाकिस्तान का एक खिलाड़ी खुशियां मनाता हुआ जो वाइस कप्तान है पाकिस्तान का पाकिस्तान जीत गया पाकिस्तान 43 इंडिया 43 जीत हो गई है फतह मिल गई है पाकिस्तान के खाते पे खाओ खुराका करो मेहनत ए मौके मिलते नहीं पहले ते दूजे इनाम एडे सौखे मिलते नहीं एडे सौखे मिलते नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बज गया कबड्डी जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद अज पाकिस्तान की फतह अज कबड्डी की फतह हो गई है अज पूरी दुनिया के उपर कबड्डी 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 हो गई तुसी वेंदे पे टीवी दी स्क्रीन दे उपर पाकिस्तान कौमी कबड्डी टीम जट साहब मुबारकबादा और मैं वेंदा पया के पाकिस्तानी प्लेयर इस टाइम ओ माना जट इस टाइम ए लोग आवाम ने अपने कंधिया के नौजवान चक्या होया मलिक बिनयामीन अज कमाल कर गया अज कमाल कर गया अज दा कबड्डी दा मेला जो है तारीखी मैच होया है 41-43 बिल्कुल छोटे मार्जन तो जो है पाकिस्तान की टीम ने विन किया है। यहाँ पर नन्नी जो भारत के कप्तान वो अपना पहले मेडल वसूल कर रहे हैं गवर्नर साहब से उसके बाद 75 लाख की ये इनामी रकम का ये चेक है जो गवर्नर साहब पेश करेंगे इन्हें पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन और इस वर्ल्ड कप की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर जो हैं उनके साथ साथ सूबाई वजीर खेल पेश कर रहे हैं भारत की कबड्डी टीम के कप्तान नन्नी को और अब पाकिस्तान की कबड्डी टीम के कप्तान और आज की शाम के सुपर हीरो मोहम्मद इरफान माना जट एक ऐसे मौके पर आज इन्होंने पाकिस्तान के लिए पॉइंट्स स्कोर किए जब लगता था कि भारत की टीम इस पाकिस्तानी ख्वाब को वर्ल्ड चैंपियन बनने का जो ख्वाब था उसको पूरा नहीं होने देगी ये उम्मीद की शमा बनकर जगमगाते रहे पहले हाफ में उस वक्त बहुत दबाव था पाकिस्तान की टीम को। कैश अवार्ड गवर्नर साहब पेश करेंगे और उसके बाद ट्रॉफी पेश की जाएगी 1 करोड़ की इनामी रकम है ये रिकॉर्ड इनामी रकम है कबड्डी के खेल में जो पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान मोहम्मद इरफान रिसीव करेंगे गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से। मोहम्मद इरफान जिस तरह कहा जाता है कि सितारे अंधेरे में चमकते हैं आज इरफान जब बिल्कुल तारीकी का दौर दौरा था वो एक चमकते दमकते सितारे बनकर सामने आए और ये जश्न मनाने का वक्त है यहाँ पंजाब स्टेडियम लाहौर में जहाँ पाकिस्तान आलमी चैंपियन ठहरा है इस कबड्डी टूर्नामेंट का पाकिस्तान वर्ल्ड कबड्डी 2020 चैंपियन